पहली तस्वीर उस वक्त की है जब सीआईडी की टीम एनकाउंटर साइट पर पहुंचकर अहम सबूत जुटा रही थी, और दूसरी तस्वीर मुंबई हाई कोर्ट की है जहां पर आज अक्षय के पिता की याचिका पर सुबह 10:30 बजे अर्जेंट सुनवाई होनी है। याचिका में अक्षय के पिता ने आरोप लगाया है कि मेरे बेटे की हत्या फर्जी मुठभेड़ में की गई है। अक्षय उस समय हिरासत में था जब उसे फर्जी मुठभेड़ में गोली मार दी गई। यह वर्दीधारी अपराधियों की ओर से की गई निर्मम हत्या है। इधर आरोपी अक्षय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ज्यादा खून बहने से अक्षय शिंदे की मौत हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्षय शिंदे को सिर में गोली लगी थी। अक्षय की मौत पर राजनीतिक घमासान भी जारी है। विपक्ष कानून व्यवस्था पर लगातार सरकार को घेर रहा है। प्रश्न यही है कि क्या आपटी को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है? पूरे विपक्ष के लोग इसको फेक कर रहे हैं। फेक नहीं है, और अगर फेक है भी तो इसके ऊपर इतना बड़ा भी तमाशा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर चुनाव से पहले विपक्ष ने इस एनकाउंटर को सरकार के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.